हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन डब्बा गोश्त। ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। इसमें ओवन की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा कढ़ाई में हम बनाएंगे और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। चिकन की एक स्टार्टर डिश है, आप इसको रोटी चपाती फुलके के साथ रिलिश कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 300 ग्राम बोनलेस चिकन, छोटे क्यूब्स में कट किए हैं। 2 टेबलस्पून गाढ़ा दही, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आप चाहें तो सुहाना का मैंने यूज़ किया है, कोई भी दूसरा ले सकते हैं, और आधा चम्मच ज़ीरा। नमक ऐड कर लेंगे आधा छोटा चम्मच। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, कम से कम 10 मिनट के लिए मैरिनेट कर लें ताकि चिकन थोड़ा सा फ्लेवरफुल हो जाए। तो बस इसको अब हम साइड में रख देते हैं। जब तक वो मैरिनेट हो रहा है, हम एक मसाला पेस्ट बना लेंगे। 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 2 हरी मिर्च, जितना आप तेज़ खाते हैं उस हिसाब से आपने ले लेना है। थोड़ा सा हरा धनिया, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे वरना ग्रीन हो जाता है पूरा मसाला। साथ में 10 से 15 काजू, थोड़ा सा थिकनिंग देता है ये। 1 टेबलस्पून मलाई ली है, आप चाहें तो स्किप कर दें, और पानी ऐड करके इसका बिल्कुल इस तरह से आपने स्मूथ पेस्ट बना लेना है। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल ऐड कर लिया है, 1 चम्मच भर के 1 टेबलस्पून मैदा ऐड किया है। थोड़े देर के लिए इसको हम लो फ्लेम पर सेक लेते हैं, जब तक इसका कलर बहुत लाइट गोल्डन नहीं हो जाता है। इसके बाद ये पिसा हुआ प्याज का मसाला ये ऐड कर लेंगे। मिक्सर ग्राइंडर को अच्छे से क्लीन कर लें। थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर में पानी ऐड किया था मैंने, और वो पानी भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखा है और इसको चलाते हुए अच्छे से भून लें, जब तक मसाले में से पानी ड्राई नहीं हो जाता है और मसाला थोड़ा सा दानेदार नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते हुए आपने कुक कर लेना है। कुछ देर बाद ये इस तरह से ड्राई दिखने लगेगा और मसाला दानेदार हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। फ्लेम बिल्कुल लो रखें ताकि मसाला जले नहीं, और इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो मसाले को चिकन के साथ बहुत अच्छे से आपने मिक्स करते हुए इसको कम से कम लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट मैंने कुक किया था कवर करके, ताकि ये बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। बीच में 10 मिनट के बाद खोलकर मैंने इसको चेक किया था, चिकन ने बहुत सारा पानी रिलीज़ कर दिया है, दही ने भी पानी रिलीज़ किया है। तो इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बोनलेस पीसेस है, इसको कुक होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए लो फ्लेम पर कवर करके इसको कम से कम 15-20 मिनट्स आपने कुक कर लेना है, ताकि अंदर तक टेंडर हो जाए। अब मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए और छोड़ रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने एक अंडा लिया है, अंडे में थोड़ा सा एक चुटकी नमक मिला लें, और फिर आपने इसको बहुत अच्छे से बीट कर लेना है। बीट करके इसको हम साइड में रख देंगे। यहाँ पे 10 मिनट और ऊपर हो गए हैं, चिकन मैंने चेक कर लिया है, बहुत अच्छे से टेंडर हो गया था चिकन। तो इसके ऊपर अब हमने जो अंडा फेंट लिया था, वो अंडा हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से फैला के ऐड कर लें ताकि हर तरफ से वो स्प्रेड हो जाए। आप चाहें तो 2 अंडे भी ले सकते हैं। और फिर इसके ऊपर हमने इस तरह से टमाटो के रिंग्स लगा लेने हैं। स्लाइसेस मैंने हर तरफ से इस तरह से अरेंज कर लिया है। इसके ऊपर आप खूब सारा हरा धनिया कटा हुआ ऐड कर लें, थोड़ा सा हरी मिर्च भी मैंने ऐड करी है, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। घी को बहुत तेज़ गर्म कर लेना है, जैसे उसमें धुआं आने लगे तो वो इसके ऊपर मैंने स्प्रेड कर लिया है, और लो फ्लेम पे कवर करके 3 से 4 मिनट कुक कर लें। तो ये देखिए तैयार है हमारा चिकन का डब्बा गोश्त। बहुत ही ईजी रेसिपी है, कवर करके मैंने इसलिए कुक किया था ताकि अंडा अच्छे से कुक हो जाए। वैसे हमने घी को बहुत अच्छे से गर्म करके ऊपर स्प्रेड किया था, तो उसी में अंडा बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। इस तरह से आपने इसको सर्व कर लेना है रोटी चपाती फुलके के साथ, ये बहुत टेस्टी लगती है। तो सिंपल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। चिकन ये देखिए बिल्कुल इसमें मुँह में घुल रहा था, इतना मॉइस्ट और अंदर से इतना जूसी और टेंडर है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।